हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से फ्रॉम क्लासेस चैनल के इस मंच पर, इस वीडियो में, इस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह, हर रोज की तरह, हर लेक्चर की तरह एक नया टॉपिक आपको जानने को मिलता है। कहां पर? फ्रॉम क्लासेस चैनल के इस मंच पर। दोस्तों, आज हम जानते हैं एक नया टॉपिक जो कि राष्ट्र के महत्व के हिसाब से भी और आपके कंपटीशन एग्जाम के व्यू से भी और बीजीएमसी एमजीएमसी मेन एग्जाम के व्यू से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और यूजीसी नेट जो 18 तारीख को होने वाला है एग्जाम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वो टॉपिक है MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों, ये इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? दोस्तों, इसकी बात तो जो इसका दृष्टिकोण, विजन और मिशन है, उसमें स्वतः प्रकट हो जाता है। और उसे जानने के लिए मैं और आप मिलकर टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, द्विमार्गीय संचार करते हैं, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाए और हम जान सकें कि हमारे देश का सूचना और प्रसारण मंत्रालय महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी भूमिका क्या है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या है और इसकी हेल्पफुल विंग्स कौन सी है। तो दोस्तों, जानते हैं हम इसका दृष्टिकोण, मतलब विजन और मिशन क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं कि ये है क्या। दोस्तों, सन 47 में जब आजाद हुआ, 1947 में, तो कुछ महत्वपूर्ण विभाग बनाए गए, उसमें से एक था सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो हमारे भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहला MCQ आपका आ गया दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, भारत के पहले सूचना प्रसारण मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें क्या कहा जाता है? लोह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों, बहुत प्रगति की उस समय हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने, और उस समय की जो सूचना प्रसारण मंत्रालय व्यवस्था थी, उसी ने आगे चलकर हमारे देश में सूचना प्रसारण के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान किया। दोस्तों, बात करते हैं सूचना प्रसारण मंत्रालय, उनमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो कि सरकारी कार्यक्रम, सरकारी नीति और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करते हैं। कोई भी घटना हुई, कोई भी नीति हुई, कोई भी निर्णय लिया गया, किसके द्वारा प्रचारित प्रसारित किया जाएगा? सूचना प्रसारण मंत्रालय इसके लिए उत्तरदायी है। हाँ, इसकी सहायता के लिए कई विंग्स है, कई स्कंद है, कई अनुभाग है, वो इनकी सहायता के लिए है, उनके बारे में भी हम आज जानेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कार्य कैसे करता है, कैसे कार्य करता है ये। दोस्तों, यह क्या करता है? सरकार की नीति, नियमों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों या विशेष कार्यक्रमों को किसके माध्यम से पहुंचाता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसमें रेडियो आ गया, आकाशवाणी आ गया, FM रेडियो आ गया, दूरदर्शन आ गया, राइट, कठपुतली आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, पुस्तिकाएं आ गई, जिसमें प्रिंट पुस्तिकाएं है ना, मैगजीन्स जिसको हम बोलते हैं, न्यूज पेपर आ गए, बाह्य विज्ञापन, कठपुतली मतलब ट्रेडिशनल मीडिया, लोक गायन, लोक नृत्य, फिल्में, नाटक, ड्रामा, इन सब को इनकी भूमिका से प्रत्यक्ष करवाना, साक्षात्कार करवाना और इनके प्रचार प्रसार में अपना योगदान देना, ताकि ये सभी सरकार के नीति, नियमों और कार्यों के प्रचार प्रसार में अपना योगदान
देश के। यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है और उत्तरदायित्व भी कहलाता है। तो दोस्तों इसके अलावा इसका कार्य क्या है, जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह होते हैं उनमें भारत की सहयोगी भूमिका और भारत के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है, यही करता है सूचना प्रसारण मंत्रालय। इसी को एक जिम्मा दिया गया है। तो हम जान भी लेते हैं कि मिनिस्टर कौन है, हाल के इनके मिनिस्टर कौन है। तो पहले कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी सचिव कौन है, संजय जांजू। वर्तमान में याद रखिएगा सेक्रेटरी कौन है, संजय जांजू। और हाल ही में मिनिस्टर ऑफ एमआईबी कौन है, अरे युवा ऊर्जा के धनी और अपने विचारों से पूरे देश नहीं, पूरे राष्ट्र नहीं, पूरे समाज नहीं, पूरे विश्व को लाभान्वित करने वाले अनुराग ठाकुर को उनकी क्षमता, ऊर्जा, निर्णय लेने की क्षमता की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का जिम्मा दिया गया और वो बखूबी इसको निभा रहे हैं। टाइम पंचुअल के हिसाब से इसे निभा रहे हैं, अपने इस दायित्व को मैनेजमेंट कर रहे हैं संपूर्ण विंग के साथ, कई विंग से उनके साथ तालमेल बिठाते हुए कार्य कर रहे हैं। और इनके कार्यकाल में जितनी ज्यादा प्रगति भारत ने सांस्कृतिक आदान प्रदान और फिल्मों के प्रमाणीकरण और फिल्मों के आयात निर्यात में किया उतनी शायद कभी नहीं की होगी, ये उपलब्धि भी है दोस्तों। अब बात आती है कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका विजन या मिशन जरूर होता है, तो इसका विजन या मिशन क्या है दोस्तों। किसी भी राष्ट्र के यदि आपको उन्नति देखनी है, विकास देखना है, तो वहां के युवाओं को तो देखिए, लेकिन वहां का जो MIB है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, उसको भी जरूर देखना चाहिए। क्यों, क्योंकि वही वह मंत्रालय है जो कि युवाओं तक सटीक जानकारी पहुंचाता है, संप्रेषण का कार्य करता है, युवाओं को जागरूक करने का कार्य करता है और समाज को जागृत करने का कार्य करता है, ताकि सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, उपलब्धियों के प्रति जो भ्रांतियां हैं, जो सोच है, वो बदल ही जा सके और पॉजिटिव वातावरण तैयार किया जा सके। तो दोस्तों हमें सबसे पहले जानना है कि इस मंत्रालय का, इस मिनिस्ट्री का विजन क्या है। जब तक हम विजन नहीं जानेंगे तब तक हम इसकी कार्य प्रणाली को समझ ही नहीं सकते। डेट पहला विजन देखते हैं, मीडिया तथा मनोरंजन के क्षेत्र में निरंतर विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाना, मूल्य आधारित स्वस्थ मनोरंजन की सुविधा प्रदान करना और सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से जानकारी का प्रसार करना। दोस्तों एजुकेशन के लिए एजुकेशन मिनिस्ट्री है, लेकिन मनोरंजन के लिए क्या दोस्तों, वो जमाना गया जब ये कहा जाता था खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगी खराब। अब यह है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। तो इस परिपाटी को थोड़ा सा बदलने के लिए युवाओं को जो डिप्रेशन की शिकार, उनको बाहर निकालने के लिए एक स्वस्थ मनोरंजन की आवश्यकता महसूस की जाती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिम्मेदार है और उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। चाहे वह स्वस्थ फिल्मों का निर्माण हो, चाहे ड्रामा के टाइप में, नाटक के टाइप में या डॉक्यूमेंट्री के रूप में सरकारी उपलब्धियों को, नीतियों को, कार्यक्रमों को जो कि युवाओं के लिए और पूरे देश के लिए बनाए जा रहे हैं उन तक पहुंचाना हो। पहला दृष्टिकोण या पहला विजन तो यही है, ताकि एक स्वस्थ भारत का निर्माण किया जा सके। नेहरू जी ने जो कहा था उस भारत का निर्माण हो सके, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की,
ये धरती है डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट दिखाने के लिए, युवाओं को इसे जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित करता है, ये कार्यक्रम बनाता है, फिल्में बनाता है, ताकि युवा है वो स्वस्थ मनोरंजन के माध्यम से सरकार के दृष्टिकोण को समझ सके, उनके विजन और मिशन को समझ सके। और जैसा कि यह मंत्रालय सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है, तो यह माना जाता है कि यह सरकार का ही कार्य है। दोस्तों पहला दृष्टिकोण तो यह हुआ, दृष्टिकोण तो हमारे समझ में आ गया क्या है, स्वस्थ मनोरंजन और सरकारी नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों को आम जनता तक सरल शब्दों में सक्षम तरीके से पहुंचाना और समय पर पहुंचाना, ताकि जनता निर्णय ले सके, जनता अपने आप को उनसे जोड़ सके और भागीदार बन सके। कार्यक्रम कौन सी है, नीतियां कौन सी है, योजनाएं कौन सी है, जैसे युवाओं के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, वृद्धों के लिए है, रूरल एरिया के लिए है या अर्बन एरिया के लिए है, बेरोजगार के लिए है या बालिकाओं के लिए है, इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो ट्रेडिशनल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे न्यू मीडिया हो, इन सब का सहारा यह मंत्रालय लेकर और सरकार की नीतियों कार्यक्रमों और उपलब्धियों से आम जन को रूबरू करवाता है। अब क्या है मिशन, क्या है मिशन, मीन्स मेन मोटिव क्या है उसका, तो हम वो जानते हैं, जनता तक सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करना और सामान्य रूप से प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए सरकार की नीतियों कार्यक्रमों उपलब्धियों पर प्रभावी ढंग से जानकारी का प्रसार करना, यह देखना कि हम सूचना व जानकारी का प्रसार कर रहे हैं लेकिन किसी मीडिया पर थोप तो नहीं रहे हैं कि तुझे करना ही पड़ेगा ये काम, नहीं तो तुम्हारे ऊपर दंड लगा दिया जाएगा। यदि स्वच्छता से या स्वप्रेरणा से, स्वच्छंदता से या स्व अभिप्रेरणा से करे तो ठीक है, लेकिन यदि बाध्यता के साथ वो काम किया जाता है तो सही नहीं होता है। तो यह प्रेस की सुरक्षा करते हुए, प्रेस के अधिकारों की रक्षा करते हुए वह उनको जानकारी प्रदान करता है मंत्रालय, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय, ताकि सही सूचना सही समय पर सही वर्ग को पहुंच सके और देश में एक स्वस्थ माहौल, स्वस्थ वातावरण का निर्माण, उसके विकास और विकास के। उसके बाद आता है जमीनी स्तर पर उपयुक्त मल्टीमीडिया सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से लाभार्थियों को सीधे सरकार के कार्यक्रमों को संप्रेषित करना और उन्हें सीधे जोड़ना। दोस्तों ये विभाग क्या करता है, सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, नीतियां हैं, उनसे उनको डायरेक्ट लाभार्थी तक पहुंचाना का काम है, चाहे वो किसी माध्यम से हो, चाहे SMS हो, चाहे MMS हो, चाहे मैसेज हो, चाहे WhatsApp हो, चाहे अन्य कोई सोशल मीडिया हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में उसे कठपुतली शो ही क्यों ना करना पड़े, चाहे नुक्कड़ नाटक को ही महत्व क्यों नहीं देना पड़े, या कठपुतली के माध्यम से, या लोक नृत्य है, लोक गायन के माध्यम से वो बात क्यों ना पहुंचानी हो, लेकिन पहुंचाने का पूरा का पूरा प्रयत्न इसके द्वारा किया। यह हर तरह की मीडिया को अपनाता है लेकिन ध्यान रखता है कि किस तरह का वो लाभार्थी है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यू मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया, ये सारे के सारे हथकंडे वो अपनाता है। किस लिए अपनाता है, इन टूल्स को क्यों अपनाता है, सरकार की नीतियों को लाभार्थी तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी विधवा तक विधवा पेंशन पहुंचाना है तो विधवाओं तक पहुंचाने के लिए उनके मोबाइल पर मैसेज पहुंचाना, बार बार उनको जागृत करना, या टीवी के माध्यम से एड जारी करना, राइट, या समाज को अंगदान के लिए यदि ऑर्गन डोनेशन के लिए अवेयर करना है तो वो कार्यक्रम बनाना, तो इस तरह के कार्यक्रम बनाना और उनका प्रसारण करना, ये सारा जिम्मा किसका है, इनका मिशन क्या है, लोगों को जागरूक करना, लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिले यह सुनिश्चित करना। तीसरा है इनका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिल्मों के क्षेत्र में अपनी क्षमता विकास करते हुए युवा प्रतिभाओं को अवसर पैदा करना और उन्हें उनसे जोड़ना और युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करना। देखिए दोस्तों, फिल्म किसी भी राष्ट्र में रोजगार प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम है,
और इससे युवा जुड़ते भी हैं। लेकिन कब जुड़ेंगे? जब तक MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग युवाओं के लिए अवसर प्रदान नहीं करेगी, तब तक युवाओं को पता ही नहीं लगेगा कि क्या है हमारे लिए योग्यता, क्या है हमारे लिए अवसर, क्या है हमारे लिए मौके, क्या है हमारे लिए चांसेस जो हम उसमें जाकर अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, यह भारतीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ही है जिसने कि पिछले एक दशक में युवाओं को फिल्मी दुनिया में या फिल्मों से जोड़ने का अभूतपूर्व कार्य किया है और जिसे प्रशंसनीय नहीं अभूतपूर्व सराहनीय कहा जा सकता है, जिसने कि युवाओं को अवसर प्रदान किया है रोजगार का और उससे सीधे जुड़ने का। कोई मीडिएटर नहीं है, अपनी योग्यता के आधार पर आप जुड़िए और जो आपकी योग्यता है आवेदन कीजिए और आप भाग ले सकते हैं। यह है दोस्तों। उसके बाद आता है भारत में प्रसारण उद्योग को बढ़ावा देना, सुविधाएं प्रदान करना और विकसित करना तथा लोक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ करना। दोस्तों, बात आती है फिल्में, कोई भी फिल्म मेकर हमारे यहाँ पे फिल्म क्यों बनाएगा? किसी भी राष्ट्र में कोई फिल्म मेकर क्यों आएगा, क्यों फिल्में बनाएगा? उस स्थिति में बनाएगा यदि हम उसे सारी सुविधाएं प्रदान करें, हम उनको उचित दर पर जमीन उपलब्ध कराएंगे, हम उन्हें रोजगार के लिए गारंटी देंगे, नहीं हमारे यहाँ से युवा आपको मिल जाएंगे रोल के लिए या उसके अंदर किसी भी तरह का कार्य करने के लिए। तो दोस्तों, हमारे यहाँ पर देश के अंदर फिल्म संस्कृति को विकसित करना और प्रसारण उद्योग का विकास करना यह उसका जिम्मा है। लोक सेवा प्रसारण को सुदृढ़ बनाना। लोक सेवा प्रसारण कौन सी है? रेडियो, आकाशवाणी, टेलीविजन, राइट, FM रेडियो, ये सारे क्या है? लोक सेवा प्रसारण है। इनको सुदृढ़ करने के लिए, ताकि ये स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके और युवाओं को, जो युवा शक्ति है उसकी सोच को उसे डायरेक्ट सीधे अपने कार्यक्रमों से जोड़ सके, ताकि उन्हें रोजगार के साथ कुछ नई जानकारियां भी मिल सके और वो अपने आप को स्वतंत्र भारत का नागरिक समझ सके और साथ ही लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सके। उसके बाद बात आती है प्रसारण क्षेत्र के लिए एक ठोस तथा सटीक रेटिंग प्रणाली विकसित करना, जिससे कि एक संरचित और समयबद्ध दृष्टिकोण अपनाना, इसका प्रसारकों द्वारा सामग्री निर्माण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, एक रेटिंग आधारित प्रणाली विकसित करता है, जिससे क्या होता है, कोई भी व्यक्ति विज्ञापन देता है तो उसकी रेटिंग को देखकर देता है, यदि उसके कोई भी कार्यक्रम उस पर प्रायोजित होते हैं तो उसकी रेटिंग को देखा जाता है। कोई भी दिशा भ्रमित ना हो, किसी ने कह दिया कि मेरी व्यूअर ये है, मेरी TRP है, TRP रेटिंग को तय करने का फार्मूला तय करना यह करता है सूचना शिक्षा सूचना प्रसारण मंत्रालय। दोस्तों, कोरोना के दौरान बहुत से ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने अपने मनमानी करके मनमर्जी करते हुए लोगों को ठगने की कोशिश की, लेकिन इस सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उन सब पर नकेल कसी और लोगों को उस विभीषिका के दौर में भी, विश्वव्यापी बीमारी के दौर में भी लोगों को भ्रांतियों से बचाए रखने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया और उसके लिए नीति बनाई, कठोर नियम बनाए और दंड का भी प्रावधान किया, ताकि जनता तक सही जानकारी मिले, कोई भी गलत जानकारी उन्हें दिग्भ्रमित ना करे। उसके बाद बात आती है उद्योग निकायों के साथ मनोरंजन और मीडिया क्षेत्र में सार्वजनिक निजी पार्टनरशिप या साझेदारी मोड विकसित करने की प्रक्रिया को सक्रिय करना। अब क्या है, देखिए, कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें यदि वो जनता को साथ में ले तो क्या वो अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि जनता अपने आप को उससे जुड़ाव महसूस करती है। तो फिल्म उद्योग जो है हमारे यहाँ का, वो 99% ही PPP मोड पर है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। नियम कानून कायदे कौन बनाएगा? गवर्नमेंट का। और फिल्में कौन बनाएगा? प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट संस्था, प्राइवेट कंपनी वो बनाएगी। लेकिन स्वस्थ मनोरंजन के लिए जिम्मेदार है, फुहड़ के लिए नहीं। यदि फुहड़ता के ऊपर आए तो बहुत सी इसके पास
चाबियां हैं जिसे ताला बंद कर सकती है वो। तो दोस्तों स्वस्थ मनोरंजन के बढ़ावे के लिए पीपीपी मोड को विकसित करना और उसे सक्रिय करना, ताकि युवा फिल्म मेकर आगे आ सके, युवा शक्ति युवा ऊर्जा का इस मंत्रालय को सहयोग मिल सके, देश के विकास में युवा पीढ़ी का अपना योगदान मिल सके। दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत ही अच्छी बात कही, जब वो यूएसए में गए, अमेरिका में गए, तो उनसे पूछा गया कि भारत में ऐसा क्या है कि हम देखते पता लगाने की भारत एक विकसित राष्ट्र है या विश्व गुरु है। तो पता है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, कि यहां का युवा मेरा गुरु है इसलिए भारत देश गुरु है। पर क्यों, उस क्यों के जवाब में जो उत्तर दिया ना दोस्तों, वही सूचना और प्रसारण मंत्रालय के रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों उन्होंने कहा, अब कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरे भारत देश के युवा पीढ़ी की आंखों में झांक कर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मेरा भारत देश विकास है, विकसित है, अर्ध विकसित है, विक्षिप्त है, आपको पता लग जाएगा। दोस्तों बोलती बंद हो गई, क्योंकि किसी भी देश का विकास वहां की युवा पीढ़ी की आंखों में साफ झलकता है कि वह सक्रिय है या निष्क्रिय होकर अपनी दिशा को भूल बैठा है या विकास की दिशा में आगे की ओर अग्रसर है। दोस्तों यही कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है मनोरंजन के माध्यम से, ताकि युवाओं को उससे जोड़कर देश के विकास में भागीदार बनाया जा सके और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके, उनको दायित्वों से जोड़ा जा सके, ताकि वो अपने पथ पर सही दिशा में आकर्षित हो सके। दोस्तों आगे है, फिल्मों वीडियो ऑडियो संसाधनों की अभिलेखीय संपदा के लिए सार्वजनिक पहुंच को पुनर्स्थापित, डिजिटाइजेशन संरक्षित और संवर्धन कर। दोस्तों यह जो मंत्रालय है, जो हमारी पुरानी मूवीज है, अब दोस्तों पुरानी मूवीज की बात आती है, सवाल उठता है कौन सी पुरानी मूवीज थी। दोस्तों हमारी जो पहली मूक फिल्म थी हरिश्चंद्र तारामती, दूसरी सवाक फिल्म थी वो आलम आरा। तो दोस्तों ये जो मूविया है और भी ऐसी उस टाइम की मूवीज, इंद्रसभा जिसे बेहतर सॉन्ग्स थे, इन सब की यदि आपको रील देखनी है कहां मिलेगी आपको, अभिलेखागार है इसका, सूचना प्रसारण मंत्रालय का एक म्यूजियम है, अभिलेखागार है, वहां पे आपको ये मिल सकती है। तो इसका मूल एक मिशन और क्या है, हमारी फिल्मी संस्कृति को संवर्धन और विकास प्रदान करना, संरक्षित करना, जो हमारे पूर्व की मूवीज है वो युवाओं को दिखाना कि उस टाइम उस समय कितना ज्यादा बिना टेक्नोलॉजी के होते हुए विकास कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा अग्रेसिव था युवा हो, कितनी ज्यादा उसमें आशाएं थी, कितनी ज्यादा समाज के अंदर मूवी देखने की लालसा थी, मनोरंजन के कैसे माध्यम होती थी मूवियां। तो उन सबको दिखाने के लिए उससे आम जन को जोड़ने का भी कार्य या मिशन इसका है, ताकि वो लोगों तक उसे पहुंचाकर और उनमें उनके प्रति संवर्धन और संरक्षित करने की भावना का विकास कर सके। उसके बाद बात आती है, भारत को एनिमेशन गेमिंग और वीएफएक्स क्षेत्र का केंद्र बनाना। दोस्तों एक चीज और बता दूं, भारत विश्व गुरु ऐसे ही नहीं है, भारत भारतीयों का गुरु ऐसे नहीं कहलाता। दोस्तों भारत में कुछ तो है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जब बात करते हैं ना, तो आर्यभट्ट पाणिनि यदि ये नहीं होते ना, तो ये पता नहीं होता कि चांद की दूरी कितनी है धरती से। प्रसारण मंत्रालय या जो बाकी की गैलीली और तो बाद में आए, ये सारा कुछ उसने बता दिया था आर्यभट्ट ने, पाणिनि ने, है ना। तो क्या है, हमारा उस समय भी बहुत ज्यादा प्रसारण मंत्रालय जो था, चाहे नाम कुछ भी रहा हो, लेकिन ये व्यवस्था बहुत हमारी डेवलप्ड थी, मॉडर्न उस टाइम के युग में थी। आज जो ये सब लोग बात करते हैं कि हमारे हम इसने रेडियो का आविष्कार इसने किया, टेलीविजन का, हमारे पास बहुत से पहले से ही था। हमारा प्रसारण मंत्रालय रावण के युग में भी उतना ही था,
और महाभारत काल में जब संजय ने आंखों देखा हाल रावण उसको दिखाया, जिसको धृतराष्ट्र को, मैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चाह रहा था कि महाभारत में कौन था, धृतराष्ट्र को जब आंखों देखा हाल बताया तो क्या वो भगवान कृष्ण का वरदान था? नहीं, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा प्रसारण केंद्र जो है इतना ज्यादा इफेक्टिव था कि हम लाइव उसी समय हमारी ये संस्कृति चालू हो गई। तो दोस्तों, प्रसारण मंत्रालय जो है एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स और सूचना के क्षेत्र में भारत को विश्व का केंद्र बना। दोस्तों, एक युवा प्रधानमंत्री और हुए हैं, राजीव गांधी, उनके युग को सूचना व प्रसारण मंत्रालय का गोल्डन एरा, स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्यों दोस्तों? बात आती है कि उनके मन में था कि हम भी एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करें। तो उन्होंने अमेरिका से सुपर कंप्यूटर उन्होंने कैसे बनाया उसकी टेक्नोलॉजी जाननी चाहिए, लेकिन मना कर दिया गया। तो हम भी भारतीय अपनी धुन के पक्के हैं, हमने जब भी ठाना है अपना लोहा मनवाया है। तो दोस्तों क्या किया, राजीव गांधी ने सीडेक इंस्टीट्यूट पुणे को कहा कि कितना भी कुछ लग जाए, पेशा, बुद्धि, जान से भी युवाओं को आपको बुलवाना है, बुलवाइए, और ऐसा कंप्यूटर बनाना है कि अमेरिका हमसे टेक्नोलॉजी मांगे। और वही हुआ दोस्तों, आज हमारा जो परम सुपर कंप्यूटर है, जिसके नाम से आपका चैनल है, आपका अपना परम क्लासेस, उसी नाम से है। परम मीन्स सबसे आगे चलने वाला, परम जिसके आगे कुछ भी नहीं है, सबसे हाई पावर का कंप्यूटर। और वाकई में उसकी हेल्प मांगनी पड़ी, किसको, युवा जो है अमेरिका को, कि भैया आपने कैसे बनाया। राजीव गांधी ने कहा नहीं, हमारे युवाओं का योगदान है, हम उसे बाहर नहीं भेज सकते। और आज विश्व का पहला सबसे तेज गणना करने वाला, काउंटिंग करने वाला कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर ही आज के। तो दोस्तों वो है परम सुपर कंप्यूटर भारत। दोस्तों ये था हमारा सूचना प्रसारण मंत्रालय का थोड़ा सा। उसके बाद है अन्य संबंधित एजेंसी के साथ समन्वय में से संबंधित फिल्में व वीडियो पायरेसी को रोकना। दोस्तों आजकल पायरेसी का जमाना है, टेक्नोलॉजी का ऐसा युग है कि लोग पायरेसी एक सेकंड में करते हैं, फिल्मों को डाउनलोड कर लेते हैं और हॉल में जाने की बजाय, सिनेमा हॉल में जाने के बजाय घर पे देखना पसंद करते हैं। और उससे क्या होता है, फिल्म उद्योग को नुकसान उठाना पड़ता है, और जो भी लोग युवाओं तक बात पहुंचानी होती है नहीं पहुंच पाती है, और युवा अलग ही राह पे चल पड़ते हैं, चोरी की, पायरेसी की, अपराध की। तो उन सब से निकालने के लिए यह अन्य एजेंसियों की भी मदद लेती है या लेता है जो मंत्रालय हो। उसके बाद आती है फिल्म समारोह आयोजनों के माध्यम से अच्छे सिनेमा को बढ़ावा देना। दोस्तों यह राष्ट्रीय, राज्य, स्तरीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिल्म समारोह का आयोजन करके एक रूम का क्या करता है, उनमें स्वस्थ जो संस्कृति है, फिल्म संस्कृति, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख कार्य करता है, ताकि हमारी जो फिल्म संस्कृति है उसको बाहर निर्यात किया जा सके और उनकी जो अच्छी फिल्में हैं उनका आयात किया जा सके। दोस्तों आपको याद होगा एक ऐसी मूवी है डीडीएलजे, जो आज भी विदेशों में धूम जमा रही है, धूम मचा रखी है उसने। जब भी लगती है वो मूवी हाउसफुल जाता है, कोई भी कंट्री ले लीजिए आप। एक चीज और बता दो दोस्त, एक ऐसी मूवी है जिसके प्रसार प्रसार में यदि सूचना और प्रसारण मंत्रालय योगदान नहीं देता ना, तो वो आज हमारे देशवासियों की पहली पसंद नहीं बनती। दोस्तों क्या मूवी है, मूवी तो चलो है ही, लेकिन उसके प्रचार प्रसार में जो योगदान सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने दिया वह वाकई में काबिले तारीफ है, जिसने कि आज यह बता दिया कि भारत में इतनी साफ सुथरी मूवी भी, मूल्य आधारित फिल्में भी और सिनेमा भी बनाई जाती है और देखी जाती है। उसके बाद बात आती है कि यह सारा है लेकिन इनकी सहायता के लिए कौन है। दोस्तों एक अकेला मंत्रालय यह तो कार्य नहीं कर सकता, उसकी सहायता के लिए कई विंग होना जरूरी है, कई
अनुभागों का होना जरूरी है, कई प्रभागों का होना जरूरी है, तो उन अनुभागों के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो उनका अनुभाग काफी है, उनके अनुभाग है, तो हम उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो अनुभाग कौन से हैं और कैसे हैं वो अनुभाग है। तो हम बात करते हैं उनकी, जो कि अनुभाग है, प्रमुख विंग जो है वो कई है, लेकिन उनके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारे अनुभाग के अलावा जो भी इसमें प्रसारण मंत्रालय है उनकी सहायता के लिए जो भी विभाग आते हैं, जो भी मंत्रालय आते हैं, जो भी अनुभाग आते हैं, वो क्या काम करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी सेवा के लिए तीन विंग है, प्रमुख विंग और स्कंध हैं। तीन विंग कौन कौन से? सूचना विंग, प्रसारण विंग और फिल्म विंग। सूचना विंग क्या काम है मैं बता देता हूं दोस्तों, मीडिया के साधनों के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों, नियमों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को प्रस्तुतिकरण बड़े प्रभावी ढंग से करना, व्याख्यित करना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सब में प्रभावी ढंग से युवाओं तक और समाज तक पहुंचाना और साथ ही सरकारी विज्ञापनों की दरों को सुनिश्चित करना, उनको निर्धारण करना कि मनमानी ना करे, और जो सरकारी विज्ञापन है युवाओं के लिए या समाज के लिए उनको निम्न जो दर है वो सुनिश्चित उसी पर विज्ञापन दिया जाए। उसके बाद आता है पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का संचालन, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 का संचालन और समाचार पत्रों के न्यूज प्रिंट के आवंटन का भी यह प्रभारी है सूचना विंग। क्या क्या काम करता है देखिए, एक सूचना विंग है उसका, उसके लिए यह हेल्पफुल है। उसके बाद बात आती है इसके अलावा यह मीडिया यूनिटों अर्थात पत्र सूचना कार्यालय PIB, केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रकाशन विभाग और भारत सरकार के भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक RNI जो हमने कल ही जाना है, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, भारतीय जनसंचार संस्थान IMC और भारतीय सूचना सेवा का संवर्ग प्रधान प्रशासनिक विंग है। एक प्रशासनिक विंग ऐसा है जो सूचनाओं के लिए प्रयास करता है, सूचनाओं के लिए मंत्रालय की सेवा करता है, सूचना प्रदान करना, नीति नियमों से अवगत करवाना या विज्ञापन दर निर्धारित करना, सारे कार्य उसी के। प्रेस पुस्तक पंजीकरण अधिनियम 1867 का ढंग से अनुपालना हो रही है कि नहीं ये देखना, क्या PIB और RNI सही ढंग से कार्य कर रहे हैं कि नहीं ये भी देखना, ये सारा कार्य कौन करता है? केंद्रीय प्रकाशन विभाग, प्रसारण विभाग सबका देख रेख लेखा जोखा रखना, यही उसी दायित्व है सूचना विभाग की। अब बात आती है सूचना विभाग के अलावा और कौन कौन से विभाग हैं जो कि इसकी सेवा के लिए अग्रसर रहते हैं। वह दूसरा प्रसारण विभाग, प्रसारण विभाग क्या करता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य प्रसार भारती भारतीय प्रसारण निगम अधिनियम 1990 द्वारा शासित प्रसारण विंग, पूरे देश में रेडियो टेलीविजन प्रसारण के विकास से संबंधित मामले, रेडियो स्टेशनों की स्थापना, ट्रांसमीटरों की स्थापना, उनका रखरखाव और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण केंद्रों का संचालन सहित आकाशवाणी दूरदर्शन संबंधी मामलों को देखता है। सूचना के बाद प्रसारण, प्रसारण का मतलब क्या होता है? लोगों तक प्रसारित होना, संचारित होना, संप्रेषित होना सूचनाओं का। देखिए सूचनाओं को तो उसने सहेज रखा है, लेकिन उनको प्रसारित कौन करेगा? तो ये विभाग क्या करता है, उनको प्रसारण करने के लिए रेडियो, आकाशवाणी, टेलीविजन, इनकी व्यवस्था को देखता है और ये देखता है कि इनके माध्यम से सही समय पर सूचनाएं प्रसारित और संप्रेषित तो हो रही है ना, कहीं बीच में घालमेल तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई फेक न्यूज तो नहीं जा रही है, इन सब का लेखा जोखा रखना, इनको ध्यान देना, इन सबके दायित्व तो क्या है, किसका है? प्रसारण विभाग का है। उसके बाद आते हैं फिल्म विंग, दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है इसका, इसका प्रमुख कार्य क्या है? मंत्रालय का फिल्म विंग चलचित्र अधिनियम, भारत का चलचित्र अधिनियम कौन सा है? 1952 के तहत जो सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणीकरण, नाट्य और फिल्मों के आयात निर्यात व फिल्म उद्योग संबंधी मामले जिसमें विकास और प्रचार गतिविधियां शामिल है उसके लिए प्रतिबद्ध है। नाटक हो गया, फिल्मों के मामले हो गए, फिल्मों को प्रमाण पत्र देना, सेंसरशिप जो होता है ना, सेंसर बोर्ड, वो यही है, सेंसरशिप है ना, फिल्मों पर सेंसरशिप लगाना, कैंची लगाना, काट देना उस सीन को, या सीन काटने के लिए उनको बोलना
डायरेक्टरों को कहना भैया ये सीन नहीं चलेगा, ये भारतीय संस्कृति का रूप नहीं है, तो उन्हें यह है आगाह करना। ये कार्य कौन करता है? फिल्म विंग करता है। ये फिल्म विंग ये करता है। इसके अलावा क्या करता है कार्य? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड एक हमारे यहाँ पे बनाया गया है के माध्यम से सहायता प्रदान करना फिल्म बनाने के लिए, उनके निर्यात आयात के लिए, उन्हें बिना किसी रोक टोक के यदि वो सही है तो उन्हें निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करना। इसके अलावा सांस्कृतिक आदान प्रदान आधारित कार्यक्रमों के तहत फिल्म समारोह के आयोजन को बढ़ावा देना। भाई हमारे यहाँ की संस्कृति को यदि बाहर भेजते तो क्या करना पड़ेगा? हमारी जो फिल्म संस्कृति है उसको बाहर भेजने के लिए आयात निर्यात नीति को सरल बनाना उसका काम फिल्म विंग का ही है, ये काम है वो। उसके अलावा फिल्मी सामग्री का संरक्षण करना, भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन बहुत से होते हैं दोस्तों, और ये सारे के सारे मैं बता देता हूं। हम ये सोचते हैं कौन करता होगा ये, तो दोस्तों यह MIB के फिल्म विंग के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसी की अनुमति ली जाती है और ये देखता है कि क्या वाकई में यह है अंतरराष्ट्रीय लेवल का है या नहीं, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेश में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत की भागीदारी सुनिश्चित करना कि भारत किस रूप में वहां पे भागीदारी कर सकता है, किस रूप में वहां पे पहुंच सकता है, हमारे आयोजकों के रूप में या किसी रूप में पहुंच जाए, उसकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का कार्य यह करता है कि कैसे उसमें हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो सकती है, भारत कैसे वहां पे अपना प्रतिनिधित्व कर सकता है। उसके अलावा मंत्रालय ने इन तीन विंगों को उनके कार्यकलापों में संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त संगठनों, सांविधिक निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहायता तथा समर्थन प्रदान किया जाता है। दोस्तों तीनों विंग है। देखिए पहला तो क्या हुआ, मंत्रालय हुआ, मंत्रालय के हेल्प के लिए तीन विंग हुई। पहला मंत्रालय कौन था? MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। उनके हेल्प के लिए तीन कौन हुए? सूचना, प्रसारण और फिल्म विंग। अब ये तीनों विंग है, अनुभाग है, इनकी हेल्प के लिए कौन होंगे? तो मैं बता दूं, इनकी हेल्प के लिए कई और निकाय है, कई उनके सहयोगी है। तो उन सहयोगी अनुभागों के नाम क्या है? देखिए तीन कैटेगरी में बांटा गया है इनको। तो पहला है संबद्ध व अधीनस्थ सेवाएं, जो कि डायरेक्ट इनसे जुड़ी हुई है और उनके अधीनस्थ है, इनकी नीचे लोअर काम करती है, इनके अंडर में काम करती है, वो है पत्र सूचना कार्यालय PIB, केंद्रीय संचार ब्यूरो, सेंट्रल कम्युनिकेशन ब्यूरो, उसके बाद है प्रकाशन विभाग, RNI, भारतीय समाचार पत्र पंजीयक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या प्रमाण पत्र जारी करता है, UA, यू मिस यूनिवर्सल है, ए मिस केवल एडल्ट के लिए है, और यदि कोई नहीं दिया उसको तो इसका मतलब है आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा। कई मूवीज थी, कई हमारे पीरियोडिकल सब्जेक्ट पर मूवी बनी है, तो उसको भी नहीं दिया गया जब तक उन्होंने उस सीन को नहीं काटा या उनकी बात नहीं मानी है, या आपत्तिजनक जो दृश्य थे उनको हटाया नहीं गया तब तक उसको मान्यता नहीं दी गई। तो दोस्तों आगे का है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, यह है EMMC। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह सकता है कि हमारे व्यूवर्स इतने हैं, हमारे रीडर्स इतने हैं, या हमारे जो TRP रेटिंग है, इन सबको देखना, प्रमाणित करना कि वाकई में ये है क्या, या उनके लिए कोई ये उनको बढ़ाने के लिए कहीं ये कोई फेक कोई जो है रूल तो नहीं अपना रहे, कहीं गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे, इन सबका लेखा जोखा रखना, इन सबका गहराई से अध्ययन करना, जांच करना, ये कार्य इसका है। उसके अलावा न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया का उपयोग हमें विकास के पथ पर ले जाता है और इसका विनाश, और इसका यदि दुरुपयोग है वो विनाश को आमंत्रण करता है। इसके जो सदुपयोग है उसको संभव बनाना, अधिक से अधिक उपयोग को ही मान्यता प्रदान करना, इस विंग का कार्य है। दोस्तों उसके बाद बात आती है स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन सी है? प्रसार भारती। अब प्रसार भारती में कौन कौन आएगा? आकाशवाणी, रेडियो, टेलीविजन, मतलब दूरदर्शन। दोस्तों इसके बारे में हम विस्तार से एक एक के बारे में जानेंगे। उसके बाद आता है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे। पुणे में संस्थान है
उसके बाद बात आती है सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्था कोलकाता, क्योंकि ज्यादा जो है फिल्म का थे वो वहीं से हुई थी इसलिए वहीं पे इसकी स्थापना की गई। भारतीय जन संचार संस्थान IIMC यह सेंट्रल बॉडी है जो कि मास कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए या अध्ययन के लिए दो जो है स्टूडेंट्स को सहायता प्रदान करती है या पाठ्यक्रम का निर्वहन करती है, पाठ्यक्रम उपलब्ध कराती है। उसके बाद आता है सांविधिक विकास, यह भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय प्रेस परिषद है वो एक सांविधिक जो विंग है या सांविधिक अनुभाग के रूप में कार्य करती है और उनको अपनी सेवाएं प्रदान करती है ताकि वो सही समय पर और जिला जो है परिषद है वो सही समय पर अपना कार्य कर सके। इसके अलावा भी बहुत से कार्यालय है लेकिन मैं बता दूं दोस्तों सूचना प्रसारण मंत्रालय बहुत विस्तृत प्रसारण मंत्रालय, लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने बहुत से वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाने होंगे। पहले कौन हुए हमारे सूचना प्रसारण मंत्रालय, लोक प्रसारण सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट। दूसरे वर्तमान में कौन है, अनुराग ठाकुर। सचिव कौन है, संजय जाजू, राइट। इनकी विंग कौन सी है, तो दोस्तों इस तरह के कई MCQs आज के इस वीडियो में आपको सुनने को देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। तो दोस्तों जरूरत किस चीज की आपको मैं वापस दोहरा देता हूँ, आप जितने भी हमारी वीडियो देखेंगे, जितने भी प्रम क्लासेज के चैनल के वीडियो है, आपको हर रोज एक नया टॉपिक जानने को मिलेगा, लेकिन तभी मिलेगा जब बेल आइकन दबाएंगे और उसके सब्सक्राइब करेंगे उसे। तो दोस्तों हम मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पर। तो दोस्तों देखते रहिएगा, जानते रहिएगा हर टॉपिक जो कि आपके PRO के लिए, जो कि आपके UGC नेट के लिए या आपके RSSMB के एग्जाम के लिए, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, UPSC, RPSC, BGMC या MGMC, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा, कल मिलते हैं इसी चैनल इसी वक्त पर।